शुरू करो इनता एक्चुअली लेके प्रभु का नाम। ओके तो कंग्रेचुलेशन, काफी आईएएस ऑफिसर के पर आप दिखाई दे रहे, किस तरह की तैयारी की आपने शो के लिए? इस शो के लिए तैयारी ये कि मैं अपनी रियल लाइफ में बहुत सीरियस हो गया हूँ और डीएम के बारे में पढ़ना लगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ने लगा, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनकी लाइफ में कैसा होता है, वो कैसे अपनी अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। तो मैंने भी वैसा ही किया, कोशिश की और इन्होंने डिग्री हासिल की। अपने फ़ोन्स को अवॉइड करना शुरू किया और इंस्टाग्राम और ये फालतू चीज़ें जितनी भी हैं इन सबको इग्नोर किया और रियल लोगों से मिलने लगा, फ़ोन से दूर रहने लगा, लोगों इंसानों से मिलने लगा और अपने बाल कटवाए मैंने जिससे कि मेरा सारा ध्यान बालों में ना रहे और बॉडी ऐसी नॉर्मल खाना खा रहा हूँ ना है ना ज़्यादा जिम करता हूँ, आधा घंटा सिर्फ फिटनेस के लिए जाता हूँ। तो ये सब चेंजेस किए मैंने अपने कैरेक्टर के लिए। हमने प्रोमो में देखा मीरा का जो किरदार है, लेकिन आपका किरदार के बारे में थोड़ा सा हमको बताया कि आईएएस जो आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है, एक एक जिला जैसे होता है, जिला अधिकारी यू कैन से, उसके पास पावर्स होती हैं, वो उसके एरिया के अंदर क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, वाइट एंड ब्लैक कहाँ हो रहा है, कौन मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें चेक करता है, कौन पोस्ट पे होके गलत रिश्वत ले रहा है, तो ये सब उसका काम है। तो मैंने इन सब, ये है विवेक, उसका पूरा नाम है विवेक वरदान सिंह। तो मैडम को आप तंग करने वाले हैं या क्या रोमांस होगा, क्या होगा? यार लड़का लड़की है, सब कुछ ही करता है और टीवी में हीरो चार काम करता है, घर से बाहर निकाल छोड़ो। मैं विवेक जो है विद्या को इनिशियली हेल्प करेगा बट बाद में गेट आई थिंक कंफ्यूज कि पहले उसे लगेगा जो नॉर्मली होता है कि प्यार हो गया। लो आई थिंक विवेक को पहले प्यार होगा क्योंकि सिंपलिसिटी विद्या में बहुत अच्छी है, विद्या का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो विवेक को विद्या से प्यार हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि वो झूठ बोल रही थी कि वो टीचर हैं और उनको सच में कुछ नहीं आता, तो समथिंग समथिंग ऐसा। पहली बार आप दोनों काम कर रहे, जब आपको पता चला थोड़ा सा बताइए। हम बहुत एक्साइटेड हो, मैं बड़ा खुश था, पूरी रात नहीं सो पाई। कहीं आया हूँ तो हमारे जब मुझे पता चला कि मैं मीरा के साथ काम कर रहा हूँ तो एक बहुत अच्छी फीलिंग, आपको फीलिंग आ जाती है, आजकल सबको आती है, सब जजमेंटल होते, तो मैंने भी जज किया अच्छा शो करने वाला। शो भी आपने किया, सॉन्ग म्यूजिक एल्बम भी किया काफ़ी और उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया जन्नत जुबेर के साथ, तो इस तरह का प्यार मिलना क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बचपन से ब्लेस्ड हूँ, आज भी ब्लेस्ड हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ मुझे वहाँ से बहुत प्यार मिलता है, तो आई एम सो ब्लेस्ड और मेरे जो फैंस हैं शायद मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, मेरी चीज़ों को समझते हैं, मेरे खुशी को मेरे गम को हर चीज़ को समझते हैं, तो इसलिए शायद मुझे प्यार करते हैं। और मैम के साथ कुछ प्रैंक कोई शूट हुआ रहेगा तो कुछ मस्ती नहीं, अभी तक हुआ नहीं है बट होगा जल्द, आपको मैं इस प्रैंक के बारे में आपको मैं न्यूज़ दूंगा। प्रैंक तो मैं करता हूँ उसमें फेमस भी हूँ बट थोड़ा टाइम दीजिए, शूट शुरू नहीं हुआ मैं रो देती हूँ अभी से बता रही हूँ। ओके हम टिश्यू लेकर आएंगे। मीरा मैम किस तरह के प्रिकॉशन लेने वाली है? जब मैं सीरियसली सजाऊंगा तब भी इसको मजाक ही लगेगा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? कुछ शूट ही इज वेरी पॉजिटिव, नो हमने शूट नहीं किया, हम दो ही बार मिले अब तक बट इट्स वी हैव कनेक्टेड ऑलरेडी एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल विद हिम, सो आई गेस जब हम शूट करेंगे तो और मज़ा आएगा। आई एम रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम। जल्दी आ जाओ सेट पे। यस यस। ओके सर लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, लाइफ बैचलर है, कुछ रिलेशनशिप चल रही कि नहीं बता दीजिए, डेट कर रहे हैं? मेरे बारे में सबको पता है, मेरा इंस्टाग्राम खोल सब पता चल जाए। यही कहूँगा जितना आज तक हमें प्यार दिया उतना देते रहिए। प्लीज विद्या देखिए। यस विद्या देखिए 9 सितंबर से, फ्राइडे 9 सितंबर ओनली ऑन कलर्स शाम 7 बजे। और विद्वेक फैंस जो थे सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।